नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके सपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं, और इसी कड़ी में मैं अभी तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और इससे पहले मैंने आपको कुछ सरगमें दी हैं, आपने वो रियाज करी होगी मुझे उम्मीद है, और आप अच्छे से रियाज कर भी रहे हैं। मुझे कई लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि हम ऐसा रियाज कर रहे हैं, हमें इतना आ रहा है, कुछ गलत करते हैं, तो मैं उनको सही से बताता हूँ कि कैसा करो। तो बहुत अच्छे से आप सब रियाज कर रहे हैं, तो इसी बीच मुझे ये लगा कि बहुत सारे मैंने सरगमों के लेसन्स डाले हैं, और सरगमों को बजाने में आदमी को बोर हो जाता है आदमी, है ना, उसको लगता है कि शायद मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ। तो इसी कड़ी में मैंने एक मोटिवेशन के लिए एक भजन आप सबको सिखाने के लिए ये लेसन बनाया है, और ये बहुत ही फेमस भजन है। इसमें माँ तीव्र लगेगा, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। और ये भी सिर्फ मोटिवेशन के लिए, ये याद रखना कि अभी अगर आप राग सीख गए, अच्छे से राग सीख गए, तो ऐसे तो हज़ारों भजन बजा लोगे आप, ठीक है, एक ही राग से। तो ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं आप सबको ये लेसन लेकर के आ रखा हूँ, ताकि आपका मोटिवेशन ख़त्म ना हो और आप लगातार रियाज करते रहो। क्योंकि बांसुरी बजाने में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने शुरुआत के 2-3 महीने 3-4 महीने सीख लिया, अपना मोटिवेशन बनाए रखा, तो आप सारी ज़िंदगी भर बहुत अच्छी बांसुरी सीख सकते हो। लेकिन जो शुरुआत के 4 महीने हैं, इसी में आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, और इस वजह से वो बीच में ही छोड़ देता है। तो आप बीच में ना छोड़ो, इस वजह से मैंने आपके लिए ये लेसन बनाया है, ठीक है। और किसी को अगर मुझसे पर्सनली ऑनलाइन क्लास लेनी हो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको भजन बताता हूँ। मैं जितना बोलूँगा, जितना बजाऊँगा, उतना ही उसके ही सरगमे आपको बताता भी जाऊँगा। अगर मैं एक शब्द करूँगा तो उसकी सरगमे भी आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसको नोट कर लो और मेरे साथ बजाने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक बार मैं बजाता हूँ, बांसुरी कोई भी ले लो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैं बजा रहा वही बांसुरी आपको भी चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारा जितना कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप लिख लो, और उसके बाद आराम से मेरे साथ बजाने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग सा 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 गा मा पा रंग पा जगत के सा 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 तीन मा के न गा मा, ठीक है, पा रंग क्या पा। इसमें मा तीव्र है, एक बार मा तीव्र लग रहा है, एक बार शुद्ध लग रहा है, ठीक है। पा तीव्र है मा, ठीक, पा मा शुद्ध मा, ठीक, गा मा गा, इसमें मा शुद्ध है, ठीक है। जहाँ पे तीव्र रहेगा वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, जहाँ पे शुद्ध रहेगा वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तीव्र की निशानी यह है कि माँ के ऊपर छोटी सी डंडी पड़ती है, वो तीव्र होती है, और जो शुद्ध होगा वो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, एक बार सा 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 जगत के गा मा पा मा रंग क्या पामा गामा गा देखूं तेरा तेरा पागरे दीदार सारे माँ। ये माँ है जो, ये है तीव्र माँ, सारे माँ पा दीदार काफी गरे रे सा है सा, ठीक है, इतना तक। अब जगत के सा 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 गामा पामा मा तीव्र है, पामा पामा शुद्ध मा पामा पामा गामा गा गामा गा गामा गा शुद्ध मा तेरा पगरे तेरा दीदार सारे माप सारे माप गरे रे सा काफी है गरे
सा सा, ठीक है। और दूसरी लाइन है, यही है सरगम, यही है, लेकिन लाइन चेंज हो जाएगी, लय यही है। क्यों भटकूं गैरों के दर में, तो इसका सरगम भी वही है, स स स ग म प म ग म प म ग म ग। फिर तेरा दीदार काफी है, प ग रे म प प ग रे सा रे म प ग रे रे स सा, ठीक है। इतना दो दो लाइन का एक ही सरगम है, ठीक है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, क्यों भटकू गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है, ये इतना लाइन है और इसका सरगम एक ही है जो मैंने अभी तक आपको बता दिया, ठीक है। अब बारी आती है अंतरा की। नहीं चाहिए दुनिया के, ये थोड़ा हाई स्केल में है लेकिन मैं उतना ऊपर नहीं जा सकता, तो ये आपने देखना है। देखो, नि सा स स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नि सा स स ये सानी ध ध नि नि सा दुनिया के, ध ध नि नि सा, ठीक। नहीं चाहिए ये दुनिया के, निराले निराले धप धप मामा, ये है तीव्र मा, धप मामा निराले रंग मधध, तीव्र मा मधध निध ढंग ढंग निध निध मुझको पम पा, मुझको अब है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले, अब इसके सरगम में कुछ और है लेकिन जब इस सरल में आप जब सीखोगे तो तब सरल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सिंपल बनाया है, धपामा निराले, वैसे निराले पर है निराले, ये कर दो धपामा या धपामामा, धपामामा रंग धपाम धपामामा ढंग रंग मधद रंग मधद ढंग ढंग निध 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 प म प मा तीव्र है, पा मा पा मुझको, फिर है निराले 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 रंग ढंग मुझको, निराले पा मा ध प म ग रे, निराले पा मा ध प म ग रे, प म ध प म ग रे, पमगारे। अब जो इसमें माँ है वो नॉर्मल है, ठीक है, शुद्ध माँ है, पमद पमगारे माप रंग माप, ये है अब तीव्र माँ, माप ढंग गरे रे सा ढंग मुझको, गरे रे सा सा मुझको, रे सा सा। अब एक बार मैं पूरी लाइन बजाता हूँ, धप धप मामा
पमद पमगरे निराले रंग ढंग मुझको, ठीक है, निराले रंग ढंग मुझको। फिर चले जाऊं मैं वृंदावन। तो इसके सरगमे वही है जो जो सबसे पहले मैंने स्थाई बताए थे। जगत के रंग क्या देखूं, फिर चले जाऊं मैं वृंदावन। इसका सरगम में स स स गम पाम पम गम ग, चले जाऊं मैं वृंदावन, स स स गम चले जाऊं गम माति ब्रह, स स स गम पा म पा, फिर मा तीव्र पा म शुद्ध म पा म गा पा मा तीव्र मा गा म गा। दूसरा मा है शुद्ध मा, और पहला वाला है तीव्र मा, पा मा गा म गा, ऐसा, ठीक है। तेरा श्रृंगार काफी है पगरे सारे माँ पा, तेरा तेरा पगरे तेरा श्रृंगार सारे माँ पा सारे माँ पा काफी है गरे रे सा। ठीक है, तो आप इतने का रियाज करो, फिर दोबारा से वही लाइन। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, सरगम वही है, ठीक है। और किसी को अगर ऑनलाइन क्लास मुझसे लेना है तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बोल सकता है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अब जो मैंने अभी तक आपको दे दिया है वो आप बहुत ही अच्छे से रियाज कर लो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप पहले वाले का रियाज सही से नहीं करोगे तो बाद वाली वो चीज़ें आपको इतनी परफेक्ट नहीं आ सकती। और अगर आप इसका रियाज सही से करते हो तो बाद वाली सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से आपकी बांसुरी में आ जाएंगी, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से फ्लूट बजा लोगे। तो किसी भी प्रकार से धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है शुरुआत के 4-5 महीने, ठीक है। शुरुआत के 4-5 महीने अगर आपने धैर्य बना के सीख लिया, किसी भी हाल में मजबूरी में सीख लिया, तो गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा भविष्य में बांसुरी बजाओगे। तो इसीलिए मैंने अभी आप सबको ये मोटिवेशन के लिए दिया, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मुझे कुछ अलग आ रहा है, मैं कुछ बांसुरी में सीख रहा हूँ। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना है जो मैं आपको अभी सरगमे दे चुका हूँ वही सब कुछ है। अगर आप सरगमे बजा लोगे तो 80% तक आपका वही है, उसी पर रियाज करो। वो तो बीच बीच में कभी मोटिवेशन के लिए गाना बजा लिया, जो मैंने अभी तक आपको सॉन्ग बताए हैं, गाने बताए हैं, भजन बताए हैं, आप उनका रियाज करो बीच बीच में कभी कभी मोटिवेशन के लिए। और कभी कोई बोलेगा कि भाई आपको बांसुरी बजाना आता, तो उन चीज़ों को सुना लिया करो, तब आपका मोटिवेशन बनेगा। और वो जो आपको वो चीज़ें सुनेगा, वो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको अच्छी बांसुरी बजानी आती है, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, और फिर उसके बाद आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लगातार रियाज करते रहो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। तो आप लगातार आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।